मालिनी की शादी एक सूरज नाम के लड़के के साथ हुई थी। उसकी शादी को काफी समय हो गया था, लेकिन फिर भी आज तक वो अपने पति को समझ नहीं पाई थी। उसके दिमाग का कुछ पता नहीं चलता था। एक दिन वो अपने कमरे में काम कर रहा होता है, तभी मालिनी उसके लिए चाय लेकर आती है। ये लीजिए आपकी इलायची वाली चाय, पूरे दिन कमरे में पड़े रहते हैं, थकते नहीं है क्या? कभी थोड़ा बाहर भी घूम लिया कीजिए, उससे सेहत अच्छी रहती है। अगर मैं बाहर घूमने जाने लगा तो ऑफिस का काम कौन करेगा? यहाँ मुझे एक मिनट की भी फुर्सत नहीं है, और तुम हो कि बोल रही हो कि मैं बैठकर आराम ही करता हूँ। मुझे जो दिखेगा वही बोलूंगी ना, लेकिन मुझे क्या करना है? मैंने आपकी चाय टेबल पर रख दी है, पी लीजिएगा, मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। ठीक है, जाओ, कमरे का गेट बंद करके जाना। जी ठीक है, कहें तो ताला मार जाऊं, वैसे भी बाहर की दुनिया से आपको क्या मतलब है? मालिनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद सूरज चाय की कप उठाता है और जैसे ही चाय पीता है, गुस्से में मालिनी को आवाज लगाता है। क्या हुआ, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? सब ठीक तो है ना? ये क्या है, ये कोई चाय है? तुम्हें इतने साल हो गए हैं घर में, तुम्हें आज तक चाय तक बनानी नहीं आई? तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुझे कैसी चाय पसंद है? हद होती है यार। ये कैसी बातें कर रहे हैं? किसने कहा कि मुझे आपकी पसंद नहीं पता है? अगर तुम्हें मेरी पसंद पता होती तो तुम्हें इलायची वाली चाय लेकर नहीं आती, वो भी ठंडी। लेकिन आपको तो इलायची वाली चाय ठंडी पसंद है, इसलिए मैं वही लेकर आई हूँ। लेकिन जब मैं काम करता हूँ तब मैं अदरक वाली चाय पीता हूँ, वो भी गर्मा गर्म। बोल दो मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, सॉरी, बट जब मैं कमरे में आई थी तभी मैंने आपको बोला था कि मैं इलायची वाली चाय लेकर आई हूँ, तब तो आपने कुछ नहीं बोला, अब आप चिल्ला रहे हैं। मैं तो आपके इस दो सर से परेशान हो गई हूँ, कब घूम जाए कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ और झूठा दिखाई दे रहा हूँ, तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। अपने पति को इतने गुस्से में देखकर वो आगे अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं देती और चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो सूरज के लिए अदरक वाली गर्मा गर्म चाय लेकर कमरे में आती है तो देखती है वो तैयार हो रहा था। मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, आपकी पसंद की अदरक वाली, और आप हैं कि बाहर जा रहे हैं? हाँ, ऑफिस से कॉल आया है, कुछ जरूरी काम है, वहीं जा रहा हूँ। यार ये क्या बात हुई, सुभाष से आपकी चाय के चक्कर में एक भी काम नहीं कर पाई, और अब इस चाय का क्या करूँ मैं? एक काम करो, चाय का कप उठाकर अपने सर पर डाल लो, क्योंकि अब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, और बाहर बहुत गर्मी है। मैं अगर गरम गरम चाय पीकर बाहर जाऊँगा तो मुझे और गर्मी लगेगी ना। यार क्या करूँ मैं अपने इस दो सर वाले पति का, कुछ दिन और इसके साथ रही मैं तो पागल हो जाऊंगी, अब क्या चाहता हो कुछ समझ नहीं आता है। मालिनी इतना बड़बड़ा कर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन शाम को सूरज ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और मालिनी को बहुत आवाज लगाता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। उसकी आवाज सुनकर उसकी छोटी बहन राशि वहाँ आती है। भैया, भाभी घर पर नहीं है, मार्केट गई हैं। मार्केट क्यों गई हैं? वो भी इस टाइम? भैया मार्केट क्यों जाते हैं हम, सब्जियां लाने ना, तो वो भी वही लाने गई हैं। बिना सर पैर वाले सवाल मत पूछा करो। जब मैंने उसको बोला हुआ है कि वो जब भी मार्केट जाए तो मेरे साथ जाए, तो वो अकेले कैसे चली गई? ये सही नहीं किया उसने बिल्कुल भी। भैया आपके टाइम का तो कोई पता ही नहीं होता है, और शाम हो गई थी इसलिए भाभी चली गई, क्योंकि घर में सब्जी नहीं थी, इसमें आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सूरज को गुस्से में देखकर राशि चुप हो जाती है और अपने कमरे में जाकर लगातार मालिनी को कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ मालिनी ट्रैफिक में फंसी होती है और उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया था। मालिनी का फोन ना मिलने पर राशि बहुत परेशान हो जाती है। भाभी का फोन भी नहीं लग रहा है, अब मैं भाभी को कैसे बताऊं कि भैया जल्दी घर आ गए हैं, वो ज्यादा सब्जियां लेने में लग गई होंगी, जल्दी से बस घर आ जाए, वरना आज तो भैया का गुस्सा तूफान लेकर आ जाएगा। राशि इतना कहकर अपने कमरे में चक्कर लगाने लगती है और अपनी भाभी का इंतजार करने लगती है। देखते देखते रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन मालिनी का कोई पता नहीं। सूरज गुस्से में आग बबूला हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद मालिनी घर पहुंचती है, सूरज उसे दरवाजे पर ही रोक लेता है। तुम्हें अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तक तुम जहाँ थी ना वहीं रहो, घर के अंदर कदम मत रख देना। आप इतनी जल्दी कैसे घर आ गए, आप तो कल आने वाले थे। मेरे जल्दी आने पर बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें?
क्यों? मेरे जाने के बाद तुम्हें बाहर घूमने की आजादी मिल जाती है, इसलिए तुम मार्केट का बहाना करके देर रात बाहर घूम रही थी ना। मालिनी को बाहर खड़ी देखकर और सूरज को उस पर चिल्लाते देखकर मोहल्ले वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। सभी को देखकर मालिनी को अपनी बेइज्जती महसूस होती है। देखिए मुझे अंदर आने दीजिए, तमाशा मत करिए, सभी लोग देख रहे हैं हमें, प्लीज सबके सामने मेरी बेइज्जती मत कीजिए। अच्छा तुम देर रात मार्केट के बहाने बाहर घूमो और मैं तुम्हें कुछ बोलूं भी ना, ये बात तो बड़ी सही है। बीवी हो तुम मेरी, मुझे पूरा हक है तुमसे सब कुछ पूछने का, ये जानने का कि तुम कहाँ थी और क्यों थी। हाँ है, पूरा हक है, लेकिन ऐसे घर के बाहर खड़ा करके सबके सामने चिल्लाकर मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, आज तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बहुत शौक है ना तुम्हें बाहर घूमने का, आज की रात बाहर ही घूमो तुम। अब सूरज इतना कहकर मालिनी के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और मालिनी को अपनी पूरी रात घर के बाहर गुजारनी पड़ती है। सभी मोहल्ले वाले उसे उसके घर के बाहर खड़ा देखकर आपस में बातें बनाने लगती हैं। अगले सुबह वो दरवाजा का सहारा लिए आंखें बंद किए बैठी होती है, तभी उसकी माँ रजनी वहाँ आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। बेटी तू यहाँ घर के बाहर क्यों बैठी हुई है, सब ठीक तो है ना? माँ अच्छा हुआ आप आ गई, अब मैं इस दोसर वाले आदमी के साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं थक गई हूँ माँ इस आदमी से, इसका कोई भरोसा नहीं है, जब मन करता है खुश हो जाता है, जब मन करता है गुस्सा करने लगता है, कभी शक करता है कभी बेइज्जती करता है, आप मुझे अपने साथ ले चलो। हाँ हाँ ठीक है बेटी, मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगी, लेकिन पहले मुझे पूरी बात तो बता कि हुआ क्या है। रजनी के पूछने पर मालिनी उसे सूरज के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है कि सामने से इतना शांत दिखने वाला इंसान ऐसे स्वभाव का भी हो सकता है, और वो तुरंत मालिनी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। तभी सूरज दरवाजा खोलता है और मालिनी को जाते देख बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो, अंदर चलो मेरे साथ अपने घर में। दूर हटो मेरी बेटी से, तुम जैसे पागल आदमी के साथ कोई नहीं रह सकता है, मेरी बेटी तुम्हारे साथ अब नहीं रहेगी बस। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मालिनी मेरे साथ ही रहेगी हमारे घर में। बिल्कुल भी नहीं, मैं अब इस घर में आपके साथ नहीं रहूंगी, अगर ये मेरा घर होता तो कल आप मुझे पूरी रात के लिए घर के बाहर नहीं छोड़ते, शायद अब आपको कभी समझ भी ना पाऊं। मालिनी इतना कहकर हमेशा के लिए अपनी माँ के साथ अपने मायके चली जाती है और कभी वापस नहीं आती, और इस तरह से वो अपने दो सर वाले पति से अपनी जान छुड़ा लेती है।